बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको हुसनदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्टीरियर लोब की हार्मोन है। इससे पहले हमने इंटीरियर लोब का जो जितने भी हार्मोन है उसको डिस्कस किया है। तो इंटीरियर हार्मोन वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब पोस्टीरियर लोब की तरफ आते हैं। पोस्टीरियर लोब की जो हार्मोन है वो दो है। वन इज़ द एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसको ADH भी कहा जाता है, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। तो पहले एंटी डायबिटिक हार्मोन की तरफ आते हैं। ये जो है ADH स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसके लिए हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो ये एरिया है नेफ्रॉन, ये किडनी की यूनिट है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन की ये मुकम्मल स्ट्रक्चर है। इस आर्टरी को हमारे साथ एपरेंट आर्टरी कहा जाता है, जो कि खून लाता है किस जगह, गुर्दे में। एंड द नेक्स्ट वन, ये जो गुर्दे से ये जो आर्टरी निकलता है इसको एपरेंट आर्टरी कहा जाता है। सो दो रगे हैं यहाँ पर, एपरेंट एंड एपरेंट। यहाँ पर जो जाल है कैपिलरीज का, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है ये कि ये जो एपरेंट आर्टरी है वो डायमीटर में बड़ा होगा और ये जो है ये छोटा होगा। ये इसलिए कि ये पाइप को यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा इस कैपिलरीज पर, तो यहाँ पर हमारे साथ फिल्ट्रेट आ जाएगा। फिल्ट्रेट वो चीज़ है जो कि फिल्टर हो जाए, फिल्टर हो जाए, तो यहाँ पर हमारे साथ फिल्ट्रेट आ जाए, इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहा जाता है। तो ये जब आ जाएगा यहाँ पर इस लोब में, इसको PCT कहा जाता है। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले। इसके दो लूप हैं, वन इज द एसेंडिंग, ये जो है एसेंडिंग है, और ये जो है ये डिसेंडिंग है। तो ये नीचे आता है इसकी वजह से इसको डिसेंडिंग कहा जाता है, ये जो है ये ऊपर जाता है इसको असेंडिंग इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ अंदर जो है यहाँ पर क्या मौजूद होगा, यहाँ पर सोडियम मौजूद होगा, इसके अलावा क्लोरीन, क्लोराइड आयन, इसके अलावा हमारे साथ वाटर मौजूद होगा। ये जो लोब है ये परमिएबल है वाटर को, यानी ये वाटर को पास कर सकता है, और ये इम्परमिएबल है किस चीज़ को, सोडियम और क्लोराइड। परमिएबल का मतलब कि ये इजाज़त देता है, इम्परमिएबल के ये इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पर हमारे साथ सोडियम भी होगा और इसके अलावा क्लोराइड आयन भी होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ इस सेल के अंदर यहाँ हमारे साथ बहुत से माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया यहाँ पर इसलिए होता है कि ये जो है हमारे साथ यहाँ पर एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो कीमती चीज़ें हैं तो ये वापस ब्लड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर एक ब्लड अटैच है जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ H2O आ जाएगा, ये डिफ्यूजन के जरिए, इसके लिए एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता। और इसके बाद सोडियम और क्लोराइड जो है यहाँ पर एनर्जी के थ्रू यहाँ पर लाया जाएगा। तो ADH अगर यहाँ पर खारिज हो जाए तो ADH स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो एरिया है ये डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है किस चीज़ की, नेफ्रॉन की। तो इसलिए हमारे साथ अगर ये ADH खारिज हो जाए तो ये इस पार्ट से रीअब्सॉर्प्शन करता है किस चीज़ की, वाटर की। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है, ये जो चीज़ है फिल्ट्रेट हुए इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है। तो ADH का मेन जो काम है वो नेफ्रॉन से जो है रीअब्सॉर्प्शन करता है किस चीज़ का, वाटर का। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। इट कॉज स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ड्यूरिंग बर्थ टू एक्सप्लेन द बेबी आउटर एंड प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ। ऑक्सीटोसिन ये बच्चा जो जब पैदा हो जाता है, यानी पैदा होने के दौरान अगर ऑक्सीटोसिन आप इस्तेमाल करें तो ये जो यूट्रस है जिसको बच्चेदाना कहा जाता है उसको स्ट्रांग कंट्रैक्शन और यानी उसको कंट्रैक्ट करता है उनके मसल को। अगर उनको एक्सपेल किया जाए, फॉर एग्जांपल उसको कंट्रैक्ट किया जाए, तो इसकी वजह से जो बेबी है वो इजी बाहर आ जाए। और इसके अलावा
जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये लिंक है खुराक के लिए, तो वह भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये स्टिमुलेट करता है मिल्क को, यानी उनको स्टिमुलेट करता है कि आप ब्रेस्ट की तरफ जाइए। तो ये थी ऑक्सीटोसिन के मेन रोल। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट कर